सब्सक्राइब करें गिज़्मो ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं गिज़्मो ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। अगर आप भी व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। वीडियो देखने के बाद आप बड़ी आसानी से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वीडियोस्क्राइब। ये एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। आज मैं विंडोज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, तो आप वीडियोस्क्राइब विंडोज़ कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। वीडियोस्क्राइब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस्क्राइब ओपन कीजिए। अब इसमें अकाउंट बनाकर लॉगिन कर लो। ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ब्लैंक स्क्रीन है। यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट सेव करने का। सेकंड ऑप्शन है ऐड एन इमेज टू दी कैनवस। यहाँ क्लिक कीजिए, ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये जो आपको इमेजेस शो हो रही हैं ये मैं यूज़ कर चुका हूँ। न्यू इमेज के लिए आप यहाँ कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं। और आपको कोई इमेज अपने कंप्यूटर से लोड करनी है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा, या यहाँ क्लिक कर सकते हैं ब्राउज दी बेस लाइब्रेरी। अभी के लिए मैं ब्राउज दी बेस लाइब्रेरी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एरोज, बिजनेस आइकन, मनी, पीपल। आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। मैं पीपल पे क्लिक करता हूँ। ये इमेज मैंने सेलेक्ट की है। पिक्चर का साइज आपको जैसा चाहिए वैसे आप एडजस्ट कर लो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है टेक्स्ट, यहाँ क्लिक करिए। यहाँ आप अपना टेक्स्ट ऐड कर दीजिए। प्लस माइनस के साइन पे क्लिक करके आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ एफ पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी फॉन्ट्स की लिस्ट शो हो जाएगी, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। और यहाँ कलर्स पे क्लिक करके आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिए। साइज एंड प्लेसमेंट आप बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं इसमें। और टेक्स्ट आप ऐड करना चाहो तो आप फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करके और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। चलिए यहां हम एक स्माइली भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट ऐड करने का, इसको हम अभी के लिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है म्यूज़िक, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट में म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी म्यूज़िक फाइल्स इसमें आपको मिल जाती हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने कंप्यूटर से म्यूज़िक लेना चाहो तो आप यहाँ क्लिक करके अपने सिस्टम से भी म्यूज़िक लोड कर सकते हो। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है वॉइस ओवर देने का, यहाँ क्लिक करके आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। या आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो तो आप वो MP3 फाइल यहाँ क्लिक करके लोड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है पेपर टेक्सचर एंड कलर, यहाँ से आप अपने कैनवस का कलर एंड टेक्सचर चेंज कर सकते हो, देखिए इस तरह से। और अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ कलर्स पे क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन है हैंड चूज करने का, यहाँ से आप अपनी एनिमेशन के लिए हैंड चूज कर लीजिए। हैंड पे क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिए। ये सब ऑप्शंस आपको मिलते हैं। चलिए अब बाकी सेटिंग्स के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ नीचे आपको सभी इमेजेस और टेक्स्ट शो हो जाएंगे जो आपने यूज़ किए हैं। सभी लेयर्स के आगे ये आइकन है, यहाँ क्लिक करके आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए ये सब ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन है एनिमेट, यहाँ आप जितना टाइम रखेंगे उतनी देर लगेगी आपकी इस फाइल की एनिमेशन बनने में। जैसे कि अब यहाँ 8 सेकेंड्स हैं तो अब 8 सेकेंड्स लगेंगे इस एनिमेशन को बनने में। मैं इसे 2 सेकेंड कर देता हूँ, अब आपकी ये एनिमेशन 2 सेकेंड्स लेगी। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है पोज का। अब जैसे ये इमेज आएगी पहले, इस इमेज के बाद नेक्स्ट लेयर है टेक्स्ट की, तो दोनों के बीच में कितना पोज होगा। मान लो मैं इसको 2 सेकेंड कर देता हूँ। चलिए पहले आप देख लीजिए कैसे प्ले हो रही है।
ये देखिए इमेज के बाद 2 सेकंड्स का पॉज हुआ, फिर टेक्स्ट आया। इसको मैं 0 कर देता हूँ, मुझे कोई पॉज नहीं चाहिए। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। उसके बाद ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, इमेज और टेक्स्ट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उसका टाइम सेट करना है आपको। मैं 1 रखता हूँ। अभी वीडियो प्ले करके बताता हूँ ये कौन सी ट्रांजैक्शन है। देखिए ये जो इमेज स्लाइड होकर साइड में गई, ये है वो ट्रांजैक्शन। ये सब सेटिंग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 रखा है तो आपको भी 1 ही रखना है। ऐसे ही आप सभी फाइल्स की सेटिंग कर सकते हैं जैसे आप करना चाहो। अब एक बार पहले प्ले करते हैं। ये आप देखिए, पहले एक इमेज आई आपकी, फिर वो साइड में हो गई, फिर टेक्स्ट आया, फिर जूम हुआ। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कैनवस फिक्स रहे, जूम या स्लाइड कुछ ना हो, बस 1x1 स्केच बनता रहे, वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ नीचे फाइल पे क्लिक करके इस आइकन पे क्लिक करना है आपको। आप सभी फाइल्स को 1x1 सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या आप Ctrl+A प्रेस करके सभी लेयर्स को एक साथ भी कर सकते हैं। डन। अब आप इसमें और इमेजेस या टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो आप माउस से स्क्रीन को साइड में करके और स्पेस बना सकते हैं इस तरह से। इस स्पेस में आप टेक्स्ट या इमेज कुछ भी ऐड कर सकते हो। और नीचे सभी फाइल्स पर एक आई बनी है, आप यहाँ क्लिक करके इस तरह से फाइल को हाइड कर सकते हो, और आप माउस से ड्रैग करके लेयर्स को आगे पीछे भी कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि इमेज स्माइली से पहले आए तो आप इसको स्माइली से पहले कर दीजिए। जैसे आप सेट करेंगे वैसे ही इमेजेस प्ले होंगी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया था, और यहाँ क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट वीडियो फाइल। प्रोसेसिंग चल रही है अभी। डन। ये देखिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।